हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फोर वैकेंसीज के रिगार्डिंग बात करने वाली हूँ। यहाँ से मल्टीपल पोस्ट के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। ये कौन कौन से डिपार्टमेंट है इसकी डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी UGC AICTE NCET नॉर्म के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ कैंडिडेट का सिलेक्शन डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर होगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस पेड नहीं करनी है। तो गाइज, इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, जॉब लोकेशन क्या होगी, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो। हेलो गाइज, मैं कविता कुश हूँ। अपने इस यूट्यूब चैनल कविता हाइड्रो क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको PhD एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप UGC नेट, सेट या PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइज, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो गाइज, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ये फर्स्ट वैकेंसी की डिटेल है। ये वैकेंसी आई है IME ग्रुप ऑफ कॉलेज से। ये दिल्ली NCR के साहिबाबाद में स्थित है। यहाँ से मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी है। डायरेक्टर, फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, PA टू चेयरमैन, ऑफिस असिस्टेंट, इस तरह मल्टी पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। फैकल्टी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है मैनेजमेंट में, जिसके लिए जनरल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग में वैकेंसी है। IT कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मैथमेटिक्स में वैकेंसी है। देन यहाँ पर लॉ में वैकेंसी है। इन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन UGC, CCS, AKTU यूनिवर्सिटी के नॉर्म के अकॉर्डिंग होगी। द कैंडिडेट्स मस्ट नेट क्वालिफाइड या इक्विवेलेंट विद द मिनिमम 55% इन PG इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो कि UGC के नॉर्म के अकॉर्डिंग है। रेस्ट वैकेंसी यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट इस ईमेल आईडी को यूज कर सकते हैं या इस पोस्टल एड्रेस को यूज कर सकते हैं। अप्लाई इन कॉन्फिडेंस क्लियरली मेंशनिंग पोस्ट अप्लाइड विद इन 10 डेज। कैंडिडेट को यहाँ पर विद इन 10 डेज अप्लाई करना है। नेक्स्ट वैकेंसी आई है कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, NEC के द्वारा इसे A+ मिला हुआ है। यहाँ से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है। यहाँ से मल्टीपल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है एंड यहाँ डिपार्टमेंट वाइज क्वालिफिकेशन दी गई है। किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। फर्स्ट में यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है इन CSE, AI/ML, IoT, डेटा साइंस, ECE, EEE, सिविल, मैकेनिकल, MBA एंड MCA। इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट इन रेस्पेक्टिव डोमेन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। देन यहाँ पर इन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट इन रेस्पेक्टिव डोमेन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग अंडर ग्रेजुएट क्लास फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। रेस्ट यहाँ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को अपना रिज्यूम मेल करना है, जिसके लिए यहाँ पर मेल आईडी दिया हुआ है। यहाँ कैंडिडेट ऑन बिफोर 10 जून 2024 अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। तो गाइज, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है IFET कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। ये AICTE से अप्रूव्ड है एंड परमानेंटली अन्ना यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। यहाँ इसका एड्रेस दिया हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका ईमेल आईडी दिया हुआ है एंड यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, तो सारी डिटेल को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से मल्टीपल पोस्ट की वैकेंसी है फॉर मल्टीपल डिपार्टमेंट एंड यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज क्वालिफिकेशन दी गई है। किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इसकी डिटेल को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है CSE एंड IT डिपार्टमेंट में। इन डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन ME या MTech या PhD या MCA विद PhD यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है CSE, IT, साइबर सिक्योरिटी, AI, डेटा साइंस,
AI मशीन लर्निंग। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ME या MTech या PhD या MCA with PhD can also apply। देन यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में। इन सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन नेट या स्लेट क्वालिफाइड होना चाहिए। देन यहाँ वैकेंसी है टीचिंग असिस्टेंट के लिए इन CSE एंड IT डिपार्टमेंट में। इन डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन BE या BTech, MCA, MSc इन कंप्यूटर साइंस विद फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को अपना रिज्यूम सेंड करना है। रिज्यूम टू बी सेंड अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद इन 7 days टू, यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस एड्रेस पर सेंड करेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी आई है संदीप यूनिवर्सिटी से। ये UGC रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ से मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी है मल्टीपल डिपार्टमेंट में। एंड ये वैकेंसी इन कैंपस के लिए है नासिक महाराष्ट्र, सीजोल, मधुबनी बिहार के लिए। यहाँ से प्रिंसिपल्स, डीन, प्रोफेसर्स, HODs, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। कैंडिडेट यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल के लिए। देन यहाँ पर कैंडिडेट साइंस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं इन माइक्रोबायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेन लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच। देन कैंडिडेट यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फार्मेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लॉ के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड डिजाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को अपना रिज्यूम मेल करना है, जिसके लिए यहाँ पर मेल आईडी दिया हुआ है। काइंडली सेंड योर रिज्यूम CV विद इन 7 days। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टूल फ्री नंबर दिया हुआ है, यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, तो सारी डिटेल को आप यहाँ से देख सकते हैं। गाइस यहाँ अलग अलग कैंपस का अलग अलग एड्रेस दिया हुआ है। ये नासिक कैंपस के लिए एड्रेस है, ये सुजोल कैंपस के लिए एड्रेस है एंड यहाँ पर हेड ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है। ओके गाइस, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर इन वैकेंसीज में कहीं भी आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप इमीडिएटली अप्लाई कर लेंगे, लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे। अदरवाइज पहले आप कॉल करके कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड टाइम दिया गया है अप्लाई करने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।